सामने वाला खरीदार आएगा, अब ये कोई देखेगा यार अगर 70,000 के जानवर बन रहा है यार, इसने 2,00,000 पट्टी के दिए तो चलो मैं उसको 10,000 ऊपर दे दूँ, वो कोई नहीं देगा पैसा, वो तो जानवर के हिसाब से पैसा नहीं देना फाइनल। काले आले के तो तुमने भर के पैसा मांगा 170, बाबा फिर भी इतना बड़ा तो नहीं है ना, 170 वाला भी तो नहीं है ना, 170 देखो वो किस किन जानवरों के मांग रहे हैं आगे, तुम बोलो फाइनल फाइनल, फिर मैं बोलूँगा तुम्हारा, तुम्हें फिर मेरा रेट समझ में नहीं आ रहा है, मैं जानवर के देख के बता रहा हूँ, तुम अपना आखिरी बता दो खुद ही, आप बता दो, हम 40 बोल रहा हूँ, 140 बोल रहा हूँ, इसका ले लो 60,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम अहमद, दिस इज़ रुहेल अहमद और आप लोग देख रहे हैं काऊ मंडी एक्सपो। इस वक्त मौजूद हूँ सोराब गोड मवेशी मंडी के अंदर और मैं इस वक्त हूँ ब्लॉक 10 के अंदर, 10 नंबर ब्लॉक के अंदर हूँ मैं और यहाँ के रेट्स वगैरह आज लूँगा मैं, तो मैं आज रेट वगैरह लूँगा जानवरों वगैरह के किस तरह के रेट हैं इस ब्लॉक के, तो अगर बार्गेनिंग का हुआ मार्जिन तो बार्गेनिंग भी करेंगे, वरना रेट्स वगैरह मैं आपको दिखाऊँगा इस ब्लॉक के किस तरह के रेट्स हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और व्यापारियों वगैरह से बात करते हैं और रेट्स वगैरह लेते हैं। वालेगा क्या पैसा है जी सर, बछड़े का क्या पैसा है इसका? ये 90,000 का भाई। 90,000 रुपये का। दांतों में क्या है? दांतों में दो है। दो है और ये सफ़ेद वाला? ये 1.5 लाख रुपये का। 1.5 लाख रुपये का, इसके इतने पैसे मांग दिए? ये नुकरा बछड़ा है। ये क्या है दांतों में? दो दांत में। दो दांत में जी है। और काले वाले के क्या मांग रहे हो? काले वाले के 130 मांग रहे हैं। 130 काले वाले के, ये भी दो दांत है? ये भी दो दांत। अच्छा और जो उस तरफ खड़ा हुआ है वाला? 1,80,000 रुपये का। मोल ज़्यादा नहीं है बाबा? नहीं सर, क्या करें, मुझे तो ज़्यादा लग रहा है यार, छोटे छोटे जानवरों के तुम लाख मांग रहे हो। ये भी तुम्हारा है जी? ये भी तुम्हारा है? हाँ। इसका क्या है लाल का? 80,000 रुपये का। और देने वाला क्या पैसा है बोलो? देने वाला बताओ क्या होगा? ये फैन 65 का देंगे। 65 का होगा, 45 का नहीं होगा ये? नहीं। और कोई घट इसके अंदर जी? और कोई घट इसके अंदर? कोई घट नहीं होगा। 65 का होगा फाइनल। और ये वाला उसका क्या मांग रहे हो? 140 का। ये कितने का होगा फाइनल? 110 का। अच्छा और वो पड़ला भी तुम्हारा है वो वाला, उसका क्या पैसा है? इस वाले का क्या पैसा है? 130। और ये कहाँ छोड़ना है? पूरे का छोड़ दो। चलो मेहरबानी, चलो मैं ये देखे आपने रेट, बाकी आगे चलते हैं, आगे जानवरों वगैरह के कुछ रेट लेते हैं। मुझे तो भाई के रेट बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं, छोटे छोटे जानवर कितने मांगे, बाकी आगे देखते हैं दोस्तों, कोई दरमियाने जानवर छोटे जानवर दिखते हैं तो उनके रेट्स वगैरह लेते हैं। भाई ये भाई का सौदा हुआ है माशाल्लाह 140 के अंदर। क्या नाम है भाई आपका? जुनैद। जुनैद कहाँ जाएगा जानवर ये? कोरंगी। कोरंगी भाई, कोरंगी जाएगा माशाल्लाह 140 के अंदर, भाई का सौदा हुआ है माशाल्लाह, बेहतरीन सौदा हुआ है। बस किस नाम से अगर नेट पर सर्च करा जाए? काऊ मंडी एक्सपो के नाम से। काऊ मंडी एक्सपो। आप गूगल पे कॉल कर दो। अरे भूसे के बोरे पे चढ़ा लेता है यार। जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। इस वाले का बताओ क्या पैसा है? हाँ 120 का। 120 का। हाँ अभी मैंने तुमसे पूछा मोल जायज़ है तुम्हारा, तुमने कहा जायज़ है। बिल्कुल जायज़ नहीं है भाई, तो बहुत छोटा है ना 120 के हिसाब से। देना कहाँ पे? 1,00,000 में देगा भाई। लाख की तो चीज़ नहीं है ना वो। है ना बाबा? नहीं है ना। है जो जानवर बिक रहा है ना वो देखो कितने में जा रहा है। अच्छा। तुम्हें फिर मार्केट का अंदाजा होगा, तुम्हें भी मार्केट का अंदाजा नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं है ना। इस वाले का बताओ क्या है? इसका हाँ 120 का। 120 का। और ये कहाँ देना है? ये फाइनल है। फाइनल ही 120। कलमा पड़ा हुआ है इस पर। और ये वाला छोटा
ये 31 का है। ये कहाँ देना है फाइनल? ये फाइनल रेट बता रहे हो तुम? बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं है इसके अंदर, एक रुपए की भी नहीं, रुपए की भी नहीं होगा। अच्छा, और ये लाल वाला? ये लाल वाला 1.5 लाख का, 1.5 लाख का। इसके भी आखिर है? आखिर है। इस हिसाब से तो ज्यादा हुआ ना? नहीं हुआ ना। चलो मांगो वो बात अलग है, लेकिन तुम बिल्कुल फाइनल यही कर रहे हो। फाइनल वाली बात है। छोटे के बताओ। अच्छा, इस वाली बछिया के? ये बछिया के, हाँ, इसका 90,000। 90,000 रुपए। वो देना कहाँ है? बस इसी दिन में देंगे। फिर तो रेट, फिर देखा इरादा है हमारा तो दे देते यार। 85 लगाता तो बहुत अच्छा लग गया। 85 सही नहीं लगा, वरना 85 के अंदर 80 के अंदर तो इतना बड़ा बड़ा जानवर जा रहा है पीछे। सही बात है, आजकल महंगाई दौर नहीं देखा भाई। तो महंगाई का दौर तुम्हारे लिए है कि खाली बाकी जो पीछे व्यापारी बेच रहा है जानवर वो? ये देखो ना, ये पट्टी कितने का मिला है? 2 लाख का मिला है। तो ये तुम्हारी गलती है ना, तुमने क्यों ली? तुम पीछे जनरल ब्लॉक में चले जाता, जंगल में बारिश तो बसता है, फिर किधर जाए? तो जनरल फिर ये मसला कोई है? अब तुम्हें जबरदस्ती किसी ने पट्टी को ही दिया? ये तुमने खुद लिया है ना? खुद लिया है तो क्या? खुद लिया है ना तो तुमने फिर रेट को जानवर के ऊपर क्यों कर रहे हो कि महंगाई? ये तो तुमने अपनी मर्जी से रेट लगाया ना पट्टी का। तुम तुम्हारी बात से, अगर ये पट्टी हमने लिया है वो जानवर पे ऊपर आएंगे, हमारे ऊपर थोड़े आएंगे। जानवर तो महंगा हो रहा है, जनरल ब्लॉक चले जाते तुम? नहीं, छोटा छोटा जानवर है, तुम पट्टी का इतना पैसा लगाओगे उनके ऊपर तो मिलेगा कोई? जानवर जो बिकेगा वो तो वजन के हिसाब से बिकेगा। वजन से कुर्बानी तो है, वजन के हिसाब से बिकेगा, मार्केट के हिसाब से बिकेगा, जो मार्केट चल रही होगी जानवर की। अब तुम्हें, अब ये सामने वाला खरीदार आएगा, अब ये कोई देखेगा यार अगर 70,000 का जानवर बन रहा है, इसने 2 लाख पट्टी के दिए तो चलो मैं उसको 10,000 ऊपर दे दूँ, वो कोई नहीं देगा पैसा। वो तो जानवर के हिसाब से पैसा देगा। आप बताए ना, ये 5,000 रुपए सिर्फ पट्टी के एक जानवर पे आए हैं, वो 5,000 ये जानवर पे आएंगे हमारे ऊपर? बाबा मैं वही तो, मेरा कहने का मकसद है कि किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करा ना तुम्हारे ऊपर? तुमने अपनी मर्जी से लिया, तुमने अपनी मर्जी से लिया, रब देगा। तो ये तो फिर महंगाई तुमने खुद करी ना? नहीं किया, ये महंगाई तुमने खुद करी ना? तुम जनरल ब्लॉक में चले आते हैं जहाँ पैसा कम होता है, अगर उधर आते हैं तो बारिश खत्म कर देता है। कोई नहीं खत्म करता बाबा, पीछे भी तो माल लोग बेच रहे होते हैं ना। सबसे ज्यादा खरीदारी पीछे से हो रही है, इधर भी जनरल ब्लॉक से खरीदारी ज्यादा हो रही है, इधर भी हो रहा है। यहाँ तो मुझे अभी तक के कोई जानवर बिकते हुए नहीं दिखा, 3 दिन से घूम रहा हूँ। पीछे जाओ तो भर भर के गाड़ियाँ निकल ली होती है। इधर भी इसका मतलब पीछे वालों के रेट सही है ना? रात भी पीछे वाले पैसे सही मांग रहे हैं सौदा बनाने के, उसमें बैठे हैं। अब तुम टाइम का इंतजार कर रहा तो वो बात अलग है। इसका बताओ छोटे वाले का? इसका हाँ 65,000 रुपये। और देने वाले क्या है? हाँ, देने वाले फाइनल बहुत है ये, फिर सही नहीं है ना मोल तुम्हारा? फाइनल 65 किस हिसाब से 65 है इसके बताओ? इसकी 2 दांत वाला बछड़ा है। तो दो दांत तो एक मिनिमम है कि भाई, कोई कुर्बानी के लिए 2 दांत है। वो 2 दांत कोई खूबी नहीं है जानवर की। ये मेरी बात सुनो, ये इतने छोटा था, ये बड़ा है, वो देखा है रात 1 लाख में बेचा है। बाबा तुम बिक रहा है, गलत बिक रहा है भाई। तुम यहाँ खड़े हो रोड पे, हाँ, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ जा रही है ना उनसे पैसा पूछो। वो लेते हैं 2 लाख का तो आपको बताते हैं 1.5 लाख का। हर कोई तुम्हारे इतना कोई होता कि 60,000 की जो 45,000-50,000 की चीज है उसके 60,000 बताएगा? लेने वाला झूठ कोई बोलता है? लेने वाला झूठ कोई बोलता है? बोलते हैं, आपने देखे नहीं आजकल दुनिया झूठ में है। सही बात है ना, फिर तुम भी झूठ बोल रहा है इसका मतलब? नहीं नहीं, मैं सही सही बात बता रहा हूँ, आपको बुरा लगा। इसका देना कितने में फाइनल बताओ? इसका 60,000 में देगा। 60,000 में देगा फाइनल, 45 में नहीं देगा? नहीं नहीं, 45 का वो दौर ही गया है। अच्छा चलो, अभी तुम्हें एंड में फिर वीडियो देखना मेरी, 45 में जा रहे होंगे। सही है, ये छोटे का बताओ इसका? इसका हाँ, इसका 70,000 रुपये। और ये बकरे का? कौन सा? ये बकरे का मालिक 60,000 मांगता है। 60,000 मांगता है और देगा कितना फाइनल में? फाइनल या फिर 60,000 अगर इसके देने तो बंदा बड़ा ही जानवर ले ले 60,000 में। फिर यार ये भी तुम्हारा है? हाँ ये भी हमारा। इसका बताओ इसका क्या पैसा? इसका 1.10। 1.10 फाइनल? फाइनल फाइनल तुम गलत कर रहा है। नहीं, ये फाइनल है ही नहीं इसका रेट। लाख से नीचे के जानवर हैं बाबा ये सारे। इसका क्या है? इसका 65,000 रुपये। वो कहाँ देना है? ये फाइनल बता रहा हूँ। नहीं बाबा नहीं, आपको झूठ बोलने की मेरी याद। चलो मेहरबानी, नहीं कोई बात, मेहरबानी। सही मोल, तुम थोड़ा जायज करो ताकि तुम्हारा भी जानवर बिके फिर। हाँ मोल जायज ही नहीं है भाई किसी का भी। पट्टी का 2 लाख दिया तो भाई पट्टी का 2 लाख आपने, आपको किसी ने ज़बरदस्ती कोई कहा था कि आप दो? आप जनरल ब्लॉक में चले जाते, वहाँ जाके आप अपने जानवर उतार लेते, 2 लाख नहीं देने पड़ते वहाँ पर। अब आप वहाँ पर यहाँ बैठ के अपनी मर्जी से 2 लाख दे के भी जानवर बढ़ा रहे हो तो फिर महंगाई आपने खुद करी। वो आगे देखते हैं जानवर दोस्तों।
अस्सलाम वालेकुम। मॉल वगैरह मुनासिब है तुम्हारा जी? मुनासिब मांग रहे हो जानवरों के? हाँ मुनासिब मांग रहे हैं। चलो देखते हैं क्या मांग रहे हो उसका। फिर क्या मांग रहे हो? 1 हफ्ते। मुनासिब हुआ? मुनासिब नहीं सर, अपने अपने उससे बताओ मुनासिब हुआ ये? यही मुनासिब है। 1 हफ्ते किस हिसाब से हुआ ये ज़रा वजह? तुमने महंगाई 1 हफ्ते वाली महंगाई नहीं है ना, जानवर नहीं है 1 हफ्ते वाला। क्यों नहीं है जानवर 1 हफ्ते वाला? अच्छा चलो मुझे ये तुम बता दो किस हिसाब से 1 हफ्ते का ये जी? किस हिसाब से 1 हफ्ते का? तुमने मोल करा है ना सोच के? ये खूबसूरती क्या है इसका? वजन अच्छा, वजन कितना है इसका? वजन देखे कितना है? कितना है तुम बताओ? 4 मन वजन है। 4 मन वजन यार, 4 मन ही। काटू का कितने का चलता है गोश्त? काटू यहाँ पे कराची के ना 25,000 रुपये मन चल रहा है। 25 नहीं है, 25 चल रहा है। 25,000 रुपये चल रहा है। 25,000 मन चल रहा है यहाँ पे काटू का रेट, ठीक है ना? और पीछे का रेट 22,000 रुपये चल रहा है पंजाब का। नहीं, पीछे का किराया नहीं है, खर्चा है। वो तो है बाबा, लेकिन 1 हफ्ते कोई आ गया इसमें खर्चा? नहीं, 1 हफ्ते उसने बोला है। हाँ बोला तो है ना बाबा, मोल तो करा है ना जानवर का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई मोल करा है 1 हफ्ते तो किस हिसाब से मोल करा है? या ऐसी मोल करा है या जानवर का पर है इतना 1 हफ्ते का? या ऐसी खाली मोल कर दिया बस मोल कर दिया? 4 मन है। 4 मन नहीं है बाबा इसका, 3.5, 3, 3.5 है, इससे ज्यादा नहीं है। 3.5 सौ पर नहीं, 3.5 लगाओ। हाँ 3.5 लगा लो। 30,000 रुपये मन लगाओ। 30,000 मन है ही नहीं बाबा। कुर्बानी का जानवर 40,000 रुपये मन चल रहा है ना बाबा? ना वो तुम्हारा बनाया हुआ है, मन का हिसाब एक ही होता है, ठीक है? अच्छा, कुर्बानी का अलग मन नहीं चलता। ये बहुत खर्चे, ये जगह के कितने पैसे ले रहे बाबा? मैं जगह का सीधी सीधी एक ही बात करूंगा कि जगह के खर्चे अगर किसी ने तुम्हारे पास ज़बरदस्ती कोई डाले, बोलते हैं ना यहाँ पे व्यापारी बोलने के, इतना दिया इतना दिया, तो मैंने कहा यार ज़बरदस्ती कोई डाला, तुमने खुद अपनी मर्जी से जगह लिया ना ये। अब जानवर थे पीछे, हम कहाँ? अब पीछे जनरल बिल आके वहाँ पे भी तो लोग बैठे हैं, वहाँ पैसा कोई है जगह का कितना? वहाँ चले आते तुम्हारे जानवर पर खर्चा कम आता। नहीं नहीं उतर देने दे, पैसे दो फिर आपको छोड़ेंगे। ना बाबा ना, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता, यकीन मानो। पीछे भी तो लोग गए। कहाँ पे? पीछे जनरल ब्लॉक के अंदर। उधर? हाँ उधर भी पैसे लेते हैं। यहाँ इतना पैसा तो नहीं है ना जनरल, फिर जनरल ये VIP ब्लॉक के लाता है, ठीक है ना? वो जनरल ब्लॉक के लाते हैं। उधर भी पैसे लेते हैं, इधर भी पैसे लेते हैं ये। लेकिन बाबा वहाँ इतना पैसा नहीं है, वहाँ इतना पैसा नहीं है। इस वाले का बताओ लाल का क्या पैसा है? हाँ 1.20 इसका। और देने वाला क्या होगा इसका? फाइनल फाइनल बाबा, फिर रेट मुनासिब नहीं हुआ ना तुम्हारा भी, तुम 1.20 फाइनल बोल रहा है इसका। इसका क्या बोल रहा है फिर? इसका हाँ 1.10। 1.10 इसका। और देने वाला 1.5 का? 1.5 का भी तो नहीं है ना फिर? कितने का जानवर छोटा है? कितने का? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 70,000 रुपये का। 70,000? हाँ 70,000। पीछे भी नहीं, पीछे बाबा पीछे की बात ही ना करो तुम, पीछे की मैं खरीद बता दूंगा तुम्हारी इसके कितने की है। पीछे कितने की है? पीछे की 56,000 से ज़्यादा की खरीद नहीं है। हाँ मैं दे रहा हूँ 65,000। हाँ मेरे को उधर से लेके दे बाबा, मैं अभी की बात नहीं कर रहा मैं ना, वहाँ से मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, पीछे से ही। आप पियो। अरे आप पियो, अरे पियो, आप पियो। क्या पैसा है काले का? हाँ 1.70। 1.70 जी। मोल तो ज़्यादा कर रहे हो यार बाबा, तुम उसको खड़ा करो। इसका ये तो छोटा है उससे। हाँ तो छोटा है। क्या है इसका पैसा? इसका 1.30। 1.30 इसका जी। और देने वाला क्या है पैसा? आप बता दो। 60,000 रुपये नहीं होगा 60 में? 60 की गोश्त की रकम मिलेगी। गोश्त की बकरा भी नहीं, बकरा क्या जानवर मिल जाता भाई? ये 3 मन से ऊपर है। 20,000 नहीं, 3 मन से ऊपर नहीं है। 3 मन से ऊपर नहीं है। 3 मन है? 3 मन नहीं है। 3 मन भी नहीं है? 3 मन है। ढाई मन, ढाई मन है बाबा। हम पता है ना, हम वजन का अंदाज़ा है हमें। कितने का दोगे फाइनल बताओ? वो मैंने फिर आखिर कोई कर दिया मैंने रेट। अब तुम कुछ बोलेगा आगे तो मैं बात करेगा ना, तुम बताओ इसका क्या छोड़ोगे फिर? फाइनल बता दो। चलो 1.10। 1.10 लाख की भी चीज़ नहीं है ना बाबा, फिर लाख से नीचे की बात करो कोई तो फिर बात करें इसकी। 65,000 रुपये ले लो बस फाइनल इसके। नहीं काले वाला कितने में देना है फाइनल? काले वाले का तो तुमने भर के पैसा मांगा 1.70। बाबा फिर भी इतना बड़ा तो नहीं है ना, 1.70 वाला भी तो नहीं है ना? 1.70 देखो वो किन जानवरों के मांग रहे हैं आगे।
क्या होगा इसका फाइनल? आप बताइए। इसका ले लो 70,000 रुपये। खाली 70? हाँ तो खाली 70 ही। मैं तुम्हारा मॉल को ही दे दूंगा पूरा, जो तुमने मांगा है पूरा दे दूंगा। 1,00,000 रुपये छोड़ दो इस पर, 70 ले लो बस इसका। तो कितने में होगा? उसको भी गुस्सा आ रहा है, तुमने इतना मॉल करा हुआ, वो घर जाना चाह रहा है दूसरे। गुस्सा आ रहा है उसको, वो कह रहा मालिक मुझे बेचना ही नहीं, मालिक मुझे बेचना ही नहीं चाह रहा। लेने वाले हमको लेते नहीं, ले नहीं नहीं वो कह रहा है भाई सही पैसा लगा रहा है, मालिक नीचे नहीं आ रहा। हाँ बोलो इसका क्या पैसा होगा? सही मॉल को छोड़ो, जानवर को देख के पैसा बोलो। जानवर को देखो पहले फिर पैसा बोलो। जानवर देखा है पूरा एक साल, पूरा साल घर में देखा है पूरा साल। फिर तुमने सही नहीं देखा ना, फिर पूरा साल अगर तुमने देखा तो तुम्हें फिर पैसा सही मांगना चाहिए, या तो तुम्हारी भी नजर कमजोर हो गई। महंगाई कितना है, महंगाई को देखो ना। महंगाई फिर 130 वाली भी तो नहीं है ना महंगाई इस पे। फिर महंगाई है ना, फिर तुम 130 में जो जानवर जो जानवर 100 रुपये में मिलता है, ये खबर है क्या? चीज अट्टे का किलो रोटी खाते हूं। हां कितने का किलो है? क्या किलो बताओ? 85 रुपये है? कोई 85 रुपये नहीं है भाई, हमारी तरफ तो 40 अपना कितना 500। हाँ हमारे तरफ 53 रुपये चल रहा है आटा यहाँ पे, तो हमारे यहाँ 53 रुपये यार आटा बेचते हैं, उधर 85 रुपये चलता है। तो तुम्हारे वहाँ तुम्हारे गांव वाले फिर गांव होता है क्या पहाड़ी में? है पहाड़ी में गंदी, वहाँ महंगा बेचते हैं फिर, वो बात अलग है। यहाँ 53 रुपये किलो चल रहा है यहाँ तो आटा, 85 रुपये चल रहा है यहाँ, 53 रुपये है भाई आटा यहाँ पे। इसका बोलो फाइनल क्या होगा देने वाला? बोल दिया हमने 130 तो नहीं है ना बाबा, आप बता दे फाइनल। 75,000 रुपये ले लो। अब तुम बता दो, तुम तो काटू वाला माल कर कम कब होता बाबा। मैं जानवर को देख के पैसा लगा रहा हूँ ना मैं, अब तुम अपने हिसाब से मॉल कर रहे, तुम अपनी मर्जी का पैसा बोल रहे हैं, मैं जानवर देख के पैसा लगा रहा हूँ। तुम गोश्त का पैसा ही नहीं बता रहे। चलो गोश्त का पैसा कितना बन रहा है इसका? कितना बन रहा है तुम बताओ? मन 1,00,000 रुपये नहीं बन रहा है, 4 मन नहीं है बाबा इसके अंदर। 800 रुपये किलो है लेकिन वो क्या है? 800 रुपये किलो कौन सा गोश्त है बताओ? बगैर हड्डी बोनलेस, ठीक है ना? इसमें तो हड्डियाँ भी सब कुछ है, सारी चीज़ें है ना। हड्डी देता है, बगैर हड्डी देता है ये है? ये मंडी में है। हाँ जो कसाई है देखो, मन जो चल रहा है ना कराची के अंदर, यहाँ चलता है मन का हिसाब। किलो का छोड़ दो, किलो तो अलग है, वो बेचने वाला है ठीक है ना। होलसेल का रेट देखा जाता है, काटू का क्या रेट चल रहा है मन, वो 25,000 रुपये मन चल रहा है यहाँ पे ठीक है ना। 3 मन 3.25 मन तक से इससे ज़्यादा का जानवर नहीं है ये जानवर। हाँ तुम तोल लेना कांटे पे ठीक है ना, उस हिसाब से पैसा लगाया है मैंने। अब तुम बता दो उसका कहाँ देना है, फाइनल बता दो, आखिरी बिल्कुल 130। नहीं भाव इतने में सौदा कोई बनता। और कौन सा है तुम्हारा, और दिखाओ कोई? इसका बोलो, इस वाले का इसका 140। इसका भी तुमने इतना मोल कर दिया, इसका क्या देना है फाइनल बोलो इसका। ठीक है आप बता दे, तुम बोलो फाइनल फिर मैं बोलूँगा तुम्हारा। तुम्हें फिर मेरा रेट समझ में नहीं आ रहा है, मैं जानवर के देख के बता रहा हूँ, तुम अपना आखिरी बता दो खुद ही। आप बता दो, हम 40 बोल रहा हूँ, 140 बोल रहा हूँ। इसका ले लो 60,000 रुपये। ठीक है सही है ना, अब तुम बता दो। 130 फाइनल नहीं इतने की चीज़ नहीं है बाबा। चलो बाबा मेहरबानी, इंतज़ार करो तुम, छोटे छोटे जानवर हो गए यार, 1,30,000 1,40,000 रुपये 60,000-60,000 रुपये वाले जानवर, उनके 1,30,000 रुपये डबल से भी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। चलें दोस्तों, ये आप लोगों ने देखे रेट्स वगैरह और बार्गेनिंग भी करी है मैंने, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि बार्गेनिंग आप लोग बताएं कि अगर मैंने सही करी है, पैसे सही लगाएं, कमेंट्स करके बताएं कि मुझे कि मैंने बार्गेनिंग वगैरह सही करी है। भैया हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्या नाम है आपका? तलहा शुजात भाई हैं ये हमारे सब्सक्राइबर, और इन्होंने वालेकुम अस्सलाम, इन्होंने ये जानवर परचेज़ किया है भी यहाँ से, 140 के ना माशाल्लाह परचेज़ किया। क्या मांगे थे इसके? इसके 180। 180 मांगे थे, 180 इसके मांगे थे, माशाल्लाह तलहा भाई का हमारे सौदा बना है यहाँ पे 140 के अंदर, तो माशाल्लाह अच्छा सौदा बन गया। बस अल्लाह पाक मुबारक करे और कुर्बानी के अमल तक के लिए सेहत दे जानवर को और इनकी कुर्बानी कबूल करे। बताएं आप लोग के बार्गेनिंग सही करी है मैंने या नहीं, रेट वगैरह सही लगाएं, क्योंकि जो रेट मुझे मुनासिब लगते हैं जानवरों के जो सही, तो वो मैं पैसे लगाता हूँ कि जानवर के वज़न के हिसाब से, और फिर उस हिसाब से देख के कैलकुलेट करके मैं पैसे लगाता हूँ।
बाकी अब आप लोगों का क्या अंदाज़ा है वो आप लोग कमेंट करके बताएं कितने में होना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की अपडेट और जानवरों वगैरह के रेट लिए और बार्गेनिंग भी करी आज, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।